गुड मॉर्निंग। आओ जल्दी अटेंड करो बेटा क्लास को। फास्ट फास्ट ज्वाइन करो बच्चे। आओ जल्दी ज्वाइन करो। हेलो खिड़की बंद कर। एक ही करो। मकई। वो मकई जानी। ना हो। अभी थोड़ी दबी लाइन में नहीं है। बस
ऑन कर लो बेटा। उधर हो गया वाह। अरे वो कौन कुत्ता यार फोन है रे कुत्ता रे कुत्ता चले बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो रशियन रेवोल्यूशन और आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर की हेडिंग आपको बोलती है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन मैं इस चैप्टर को बोलती हूँ कि टू हेडिंग से आपका इस जो चैप्टर की हेडिंग है वो उसके अकॉर्डिंग तो आपका चैप्टर टू पार्ट्स में चलेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें टू पार्ट्स ना होके थ्री पार्ट्स है, क्योंकि बीच बीच में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी पता चलेगा, उसके सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, देन उसका इम्पैक्ट क्या होगा रशिया पे या होल यूरोप के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरे चैप्टर को कैलकुलेट करोगे। तो तीन इसके हेडिंग पे होने चाहिए थे, बट आपका चैप्टर एनसीईआरटी ने टू हेडिंग के साथ दिया है, तो ये टू पार्ट्स का चैप्टर है। एक्चुअल में थ्री चैप्टर है ये और उनको एक ही चैप्टर में आपका सारा कंबाइन कर दिया है। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि आपका जो स्लेब वो है, हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट किया है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड में हम लोगों ने नाजीजम कर लिया है जो कि थर्ड चैप्टर था, थर्ड हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर कर लिए है दोनों ही, और ये आपका हिस्ट्री का हो गया। अभी आज ये स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। सेकेंड आपकी इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हो बेटा, इकोनॉमिक्स में आपके फोर चैप्टर्स थे और फोर कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, पालमपुर कर लिया है, सेकेंड थर्ड पॉवर्टी, फोर्थ फूड सिक्योरिटी, हम लोग कंप्लीट आपकी इकोनॉमिक्स कर चुके हैं। इसमें से आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क करने को बोला था, एक तो वो स्टोरी प्लस मैंने ये बोला था बीच में मैंने कुछ टॉपिक छोड़े हैं, वो उसका होमवर्क अभी तक मेरे पास आप लोगों ने सबमिट नहीं किया कि क्या आप लोगों का था जी है। देन फिर हम लोग सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेटिक राइट, एंड थर्ड आपका यूएनओ भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपना डन हो गया। देन अगर हम बात करते हैं बेटा आपके ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आपके पास इंडिया साइज, देन फिजिकल फीचर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। अभी जो आपका आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा वो है सोशलिज्म इन यूरोप। जो आपका अभी आपका जो टेस्ट होगा 26 को, उसमें आपका हिस्ट्री से आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन और सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन का सोशलिज्म इन यूरोप का टॉपिक आएगा।
लिखा इतना है, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रेपिटेशन से रिलेटेड भी जितना हम लोग करेंगे बस उससे उसमें से ही आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्लियर। देन आपके पास इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर, आई डोंट थिंक कोई चैप्टर है सिविक्स में, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी है, एंड फिजिकल फीचर्स है, 1, 2, 3, 4 चैप्टर आपके कमिंग टेस्ट में 26 को आ रहे हैं। उसके साथ ही आप सब लोग मेरे को प्रॉमिस करके बैठे हो कि सबके अच्छे नंबर 33, 34 के आसपास आएंगे ही, लेकिन मैंने जो पेपर अपना सेट किया वो इजी पेपर सेट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से 38, 37 से कम नहीं होने चाहिए, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं जिनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अच्छा पेपर करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी, आज मैं भी मैं आपकी इवनिंग में भी एक क्लास रखूंगी, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक मैं रखूंगी इवनिंग की क्लासेस। वो क्या है कि इस टाइम पे हम लोग करेंगे आपका रेगुलर क्लास का वर्क, और इवनिंग क्लास जो होगी उसमें करेंगे हम आपका रिवीजन वर्क। हैप्पी? मैंने क्या बोला है, इस क्लास में करेंगे हम लोग क्या, आपका रेगुलर क्लास का जो वर्क होगा वो, देन इवनिंग आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग रखेंगे रिवीजन वर्क। हैप्पी? अगर हैप्पी हो तो थम्स अप कर दो, नहीं हो तो बेटा थम डाउन कर दो। अगर इस चीज से इस सिस्टम से हैप्पी हो, मैं नहीं बोलती आपको मैं पूरे 1 आवर की क्लास लूंगी, मैं नहीं बोलती मैं आपको 25 मिनट्स की लूंगी, 30 मिनट्स की लूंगी, 40 मिनट्स की लूंगी, वो आपकी जैसी क्लास होगी, जितना मजा क्लास में आ रहा होगा ड्यूरिंग रिवीजन, उस टाइम हम लोग उसकी देख लेंगे टाइम की ड्यूरेशन। तो कम से कम इतना सोच के चलो कि 40 मिनट्स की तो क्लास आपकी मस्ट है वो, ठीक है, 40 मिनट्स की क्लास तो होगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो उस क्लास में आएंगे, लेकिन कंपल्सरी है, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ, कंपल्सरी है इवनिंग क्लास। अगर आपको लगता है कि आपका भी नाम NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में आना चाहिए, गुरुकुल आपको भी याद रखे हमेशा कि जिस टाइम आपके बैच नंबर लिखे जाए इस बैच का NTSC स्टूडेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो आप लोगों के नाम बोर्ड के ऊपर आने चाहिए, क्लियर बच्चा। तो मॉर्निंग क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस रखेंगे, देन आपकी इवनिंग क्लास जो होगी उसमें आपका रिविजन वर्क होगा, इस चीज के साथ हम लोग काम करेंगे। हैप्पी? चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी एक बच्चे की मैं ड्यूटी लगा रही हूँ, मयूर या आर्यन सिंह, दोनों में से नहीं, ये काम तो मोहित बहुत अच्छे से भी कर सकता है। तीन बच्चों की ड्यूटी लगा दी, मयूर, आर्यन सिंह और मोहित, इवनिंग में मेरे साथ पैचअप करके कि देख लेंगे कि किस टाइम की आपकी क्लास आपको सुटेबल है, क्योंकि कई दिन आपकी हिंदी और संस्कृत की क्लासेस भी होती है, वो ना हो, आज तो कोई क्लासेस नहीं है, है ना, आज तो कोई नहीं है, तो आज तो हम 5 से 6 की क्लास आपकी ले सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 के बीच में आपकी क्लास आज डन है, तो 5 से 6 से पहले मेरे को आप याद करवा दोगे, मोहित, आर्यन, मयूर, तीनों मेरे को याद करवाओगे आज, मैसेज ही डाल दोगे, ठीक है। चलो बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म इन यूरोप की जिस दिन हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये वर्ड क्या है ये ही नहीं पता, अभी तो नाजीज्म देखा था हम लोगों ने, अभी आ गया आपके सोशलिज्म, इज्म वर्ड जो आपका आएगा बेटा वो किसी की आइडियोलॉजी, किसी की थिंकिंग, किसी की व्यूज की बात करते हैं कि जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज की बात, सेम चीज को। आप जो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोग सोशल में ऐसा क्या है जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सोशलिज्म में सबसे पहले बात आएगी बेटा इक्वालिटी इन सोसाइटी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में जब आपको याद करनी है कोई चीज वो क्या होगी, इक्वालिटी इन सोसाइटी, इस चीज की बात करनी है, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन की बात करनी है तो ये आपका टाइम पीरियड है 1917 फरवरी 1917, देन ये 2 फेजेस में, बच्चे रशिया का रेवोल्यूशन जो है आपके पास 2 फेजेस में चलेगा बेटा। 1 फेज होगा आपका फरवरी 1917, देन आपका एक होगा अक्टूबर 1917, क्लियर, फरवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917, 2 फेजेस में आपका रेवोल्यूशन होगा। मतलब क्या है, आपके पास 2 तरीके से 2 बार में रेवोल्यूशन होगा, क्लियर। मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर 2 हेडिंग के साथ नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में 3 चैप्टर है। थर्ड चैप्टर की अगर आप बात करते हो तो वो इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तीसरा बेटा इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी एड ऑन किया है।
अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है आपके पास? अभी तक तो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, लोगों ने उठाया, रेवोल्यूशन कर दिया, किसके अगेंस्ट? अपने मोनार्क के अगेंस्ट। देन फिर हम लोगों ने देख लिया ग्रीन रेवोल्यूशन था। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन? अपनी कंट्री में स्वामीनाथन जी ने स्टार्ट करवाया था। वो क्या था? आपका मास प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। और ग्रेन भी क्या था? वीट। वीट से स्टार्ट किया था, फर्स्ट नंबर पे वीट किया था, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या किया था? राइस को रखा था। तो वो आपका मास प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन था। थर्ड अभी हम लोग देख रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन। इसका मतलब भी क्या होगा? रशियन पीपल ने क्या किया? अपने मोनार्क के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर ली। अब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो पीपल रेवोल्यूशन नहीं था, वो आपके ग्रेन के लिए था। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या बेटा? आपका मास प्रोडक्शन हुआ। मास प्रोडक्शन किस चीज का? किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब आपका मास प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोग क्या करते थे? जो पूरे वर्ल्ड की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने आसपास की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते थे? अपने घरों में काम किया, उनके लिए प्रोडक्ट रेडी किया और उसको बेच दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, ये हम लोग देख चुके हैं ना। रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज अ सेकेंडरी सेक्टर। यही था ना कि आपके रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। वो काम कहाँ होगा? किसी इंडस्ट्री के अंदर ही होगा, चाहे वो इंडस्ट्री आपके घर में है। आपको मेंशन किया है पूरा क्लियरली, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने बात की है। ये वो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मे बी वो आपके घर पे ही हो। पालमपुर में भी बात किया, मिश्री लाल ने अपने खेत के अंदर ही एक शुगर के क्रशर लगा लिया था। तो ये सारी चीजें बात की। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, अब जो मास प्रोडक्शन है बेटा वो कहां पर है? मास का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, अंडर वन रूफ। अब वो क्या बोलते हैं? अंडर वन रूफ। ओके गुड, हम लोगों को पता चल गया बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कहां करना है? आपकी एक ही रूफ के अंडर कर देना है। प्लस उसको ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में ये स्टार्ट होता है। जिस टाइम आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में अपनी पीक पे था। प्लस साथ में ही वो कहां था? आपके जर्मनी में भी था। इन दो जगह तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, तो ये चीज स्टार्ट हो गई। एक और चीज हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया था ना बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने रिलेशन बनाए थे। कैसे? मैंने बताया था इसको ब्रिटेन था, वो किधर था बेटा आपका? ब्रिटेन आपका एलाइड पावर का मेंबर था, और ये आपकी दूसरी क्या थी? सेंट्रल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल थी, ये जर्मनी थी। इधर क्या है? रशिया भी था। हम लोगों ने पहली बात किया, रशिया लेफ्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917 ड्यू टू द रेवोल्यूशन। ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, जिससे मैंने आपके नोट्स दिखाए थे उसमें नोट्स में मेंशन किया था, रशिया लेफ्ट इन 1917 ड्यू टू रेवोल्यूशन। क्लियर? और यूएस ने ज्वाइन किया था। तो जो आपके ब्रिटेन का बेटा वो था जॉर्ज, प्लस रशिया का चीफ था जार। चीफ को जार बोलते हैं बेटा रशिया में, जार निकोलस। एंड जर्मनी के अंदर जो चीफ था वो कौन था? काइजर। क्योंकि जर्मनी में चीफ को क्या बोलते हैं? काइजर। और उसका नाम था विलहेम। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी बात की थी कि ये तीनों कजन है बेटा, कजन। ब्रिटेन की जो क्वीन है उसके ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन है तीनों, तो ये तीनों कजन है। तो वहां पर भी मैंने एक बात की थी कि क्या था, कजन का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, बुआ के बेटे के नंबर मामा के बेटे के नंबर से ज्यादा आगे तो क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज जेलस फैक्टर, तो इन तीनों में आपस में जेलस फैक्टर था। ब्रिटेन टेक्नोलॉजी में फास्ट था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इधर जर्मनी में फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज थे, मॉडर्निटी पे था। लेकिन जो रशिया था ना बेटा, रशिया क्या था? बैकवर्ड कंट्री था। टिल 1918 तक आपका जो रशिया रहेगा बैकवर्ड कंट्री में, कैलकुलेट करोगे आप उसको, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग में मैंने आपको बताया था जर्मनी साइन अ पीस पैक्ट विद रशिया। ये कर लिया ना हम लोगों ने, याद होगी आप लोगों को ये चीज। अब आपको माइक बंद करना पड़ता है क्योंकि आपकी फैमिली आप लोगों को डिस्टर्ब करती है, अदरवाइज आप बोल के बता देते मेरे को। ठीक है बच्चे, ये इतनी स्टोरी अलग माइंड में। आप क्या करना है, पिक्चर चल रही है आपके सामने, पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, उनको याद रखना है कि कैसे काम करना है। हम लोगों को काम करना है सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप में क्या है? सोसाइटी में इक्वालिटी की बात की है।
लेकिन ये कंसेप्ट आया कहाँ से एकदम माइंड में? इतने सालों से आपके एंशियंट पीरियड से चल रहा है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी में किसी को कास्ट के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट, इंडिया की बात ले तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, क्योंकि कास्टिज्म तो क्या आपके रिलीजन से पहले भी स्टार्ट हो गया था? कास्टिज्म जो है इंडिया में रिलीजन से पहले स्टार्ट हो गया था, तो इन लोगों का भी क्या होगा? कास्टिज्म ही होगा एक तरीके से, यानी क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन था। और क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्लियरली देखा हम लोगों ने, क्या था? थ्री स्टेट थे बेटा आपके पास, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थी ना बेटा, ये तीन स्टेट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, क्लर्जी, नोबल एंड ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के साथ थ्री कैटेगरीज में थ्री डिवाइड किया। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने के पास एक कंसेप्ट आया जिसको हम लोगों ने नाम दिया मिडिल क्लास। ठीक है बेटा, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन अपन लोगों के पास एक कंसेप्ट आया जिसको नाम दे दिया मिडिल क्लास। बट आपके हिस्टोरियन बोलते हैं कि मिडिल क्लास जैसा कंसेप्ट ना फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नहीं दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन वो क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को तो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लिया है। हिस्टोरियंस इस बात को क्लियर करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मिडिल क्लास का कंसेप्ट नहीं दिया। मिडिल क्लास का कंसेप्ट तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जिस टाइम आपकी इंडस्ट्रीज आएंगी बेटा, फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट होगी, तो फैक्ट्रीज आपकी आई तो उसमें एक होगा फैक्ट्री ऑनर, जिसकी फैक्ट्री होगी, दूसरा होगा ट्रेडर और तीसरी होगी वर्किंग क्लास। अब देखो फैक्ट्री ऑनर, उसके पास कितना पैसा होगा तभी वो ऑनर बने, इतना पैसा है तो उसने फैक्ट्री स्टार्ट की। फिर आपका ट्रेडर कौन है? बिजनेसमैन है, जो उसके बिजनेस को करेगा, जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। तीसरे लोग कौन है? सर्विस सेक्टर है। कौन होते हैं सर्विस सेक्टर में? आपके वर्कर्स लोगों की बात की है, जिनके पास जिनको काम करना है आपकी फैक्ट्रीज में, तो वो बोलते हैं कि वहां से कंसेप्ट आया है। ज्यादा क्लियर बुद्धू के साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी के साथ जाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन बेटा, एफआरईओ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लोगों के माइंड में कुछ क्लैरिटी आई। क्लैरिटी कैसे? एक तो आपकी इक्वालिटी की बात की आई। ठीक है बेटा, इक्वालिटी की बात के लिए आई। एक मिनट बेटा, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा थोड़ी देर। साथ में जॉन लॉक को इसका क्रेडिट देते हैं हम लोग इक्वालिटी का, प्लस उसने क्या किया, इक्वालिटी के साथ ही हम लोगों को फ्रीडम की बात भी की थी। याद करो जॉन लॉक ने क्या किया था। जॉन लॉक ने जो बुक लिखी थी उसमें वो क्या बोलते हैं, इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात करता है। डिवाइन रूल को उसने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था कि कोई डिवाइन रूल जैसी कोई चीज नहीं होती, इस चीज के साथ वो काम करता है। तो बात की आपकी फ्रीडम और इक्वालिटी की बात कर ली बेटा हम लोगों ने। फ्रीडम चलेगी, इक्वालिटी चलेगी, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? क्योंकि जॉन लॉक ने ऐसा आपको बोल दिया। ठीक है, चलो मान ली बात की जॉन लॉक ने ऐसा बोला। और जॉन लॉक ने क्या बोली थी, कौन से राइट्स की बात की थी बेटा? नेचुरल राइट्स, याद है? डेमोक्रेटिक राइट्स में हम लोगों ने किया था नेचुरल राइट्स। तो जॉन लॉक ने आपको, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आपको क्या दिया, इक्वालिटी और फ्रीडम का कंसेप्ट देते हैं। वो बात करते हैं किसकी, आपके उन्होंने तभी क्या किया था, स्लेवरी सिस्टम को भी अबॉलिश करवाया था कि स्लेवरी सिस्टम को बंद करो, क्योंकि सबको फ्रीडम का राइट है प्लस सबको इक्वालिटी की बात करनी है। लेकिन उसमें भी क्या किया था, कुछ चेंज आएंगे वो देखना भी आप लोग। ये चीज आई, अब इस इक्वालिटी ने और आपकी फ्रीडम ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे दिया, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे दिया किस चीज का, कि इक्वालिटी और फ्रीडम दो चीज तो हम लोगों को कंपलसरी चाहिए। किसको? क्योंकि वो क्या है,
आपके नेचुरल राइट्स हैं, ऐसे ही बोला है ना जॉन लॉक ने डेमोक्रेटिक राइट्स किया था तब, तो वो क्या बोलते हैं कि आपके नेचुरल राइट्स की बात कर दी, वेरी गुड, ऐसी चीज हम लोगों के पास आई तो पूरे, लेकिन बार बार हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड को मैसेज दिया। मैं कभी भी आपने मेरी क्लास में देखा होगा मैं सिर्फ एक आपके प्लेनेट उसकी कॉन्टिनेंट की बात नहीं करती कि यूरोप में ऐसा हुआ, जबकि काम तो सारा यूरोप में हो रहा है। मैं क्यों बोलती हूँ पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, पूरे वर्ल्ड को मैसेज की बात क्या होती है, क्योंकि जो ये आपका पूरा वर्ल्ड है बेटा, ग्लोब है ये आपका, बंदा सा बना लियो, जो भी अच्छा पढ़ा रहेगा ऐसा ये पूरा ग्लोब है ना। इस पूरे ग्लोब को किसने कैप्चर कर रखा था, ये बैठा था यूरोप, क्लेवर था, क्लेवर पर्सन था, मॉडर्न पर्सन था, यानी कि पूरा कॉन्टिनेंट आपका मॉडर्न था, टेक्नोलॉजी थी इसके पास, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करना आता था, प्लस उसके साथ ग्रीडी थी। ग्रीडी किस चीज के, सबकी चीज उठा लेते हैं, सबकी चीज काबू कर लेते हैं, अपने घरों में भी होता है, चॉकलेट फ्रिज में रखी है, चॉकलेट को भी चलो साइड में कर देते हैं, आइसक्रीम के नाम पे हर बंदा ग्रीडी होता है। आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, आप अपने मदर ने आपका शेयर दे दिया, आप अपनी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रखी है कि बाद में कोई और बच्चा खाएगा या घर में कोई आएगा उसके लिए, लेकिन कहाँ शांति होती है, चम्मच उठाया खा लिया, चम्मच उठा लिया खा लिया, दूसरे के रिसोर्स को हम लोगों को यूज करना होता है, ह्यूमन नेचर है। तो वो क्या है, ये ग्रीडीनेस किसके पास थी, आपके यूरोप के पास थी, उसकी नजर कहाँ थी, इधर तो एशिया के ऊपर थी, इधर आपके अफ्रीका के ऊपर थी, इधर आपके अमेरिका के ऊपर भी थी, वो आपने चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई, उसने एशिया को भी एक्सप्लोइट किया, उसने अफ्रीका को भी एक्सप्लोइट किया और उसने अमेरिका को भी एक्सप्लोइट किया। अमेरिका वाज लकी, वो लकी था बेटा, और उसने अपने इंडिपेंडेंस जल्दी गेन कर ली, इंडिपेंडेंस जल्दी गेन की। आप लकी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अमेरिका के पास भी बेटा 40 above 40 ट्राइबल ग्रुप ही थे बेटा, अमेरिका के पास सब तीनों कॉन्टिनेंट्स की, 3A कॉन्टिनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सिविलाइज पर्सन तो एशियन लोग ही थे, इंडियन लोग ही बेटा थे आपके, तो उनको उन लोगों को पहले से पढ़ना लिखना आता था, चाहे वो आपने किसी संस्कृत लैंग्वेज में, इनकी साइंस में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आपके चाइनीज लोगों के पास भी अपना कल्चर था, ये लोग पहले से सिविलाइज थे। अगर आप अफ्रीकन लोगों की बात करो बेचारों की, तो वो सिविलाइज नहीं थे, बट रिच ऑफ रिसोर्सेज उनकी लैंड थी, सारे रिसोर्सेज थे, तभी तो खा गए ये सारे ग्रीडी पीपल। अब नो डाउट कि हम लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया है, चाइना को एक्सप्लॉइट किया है, हमें एक्सप्लॉइट किया है, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है, बट फिर भी आप क्या करोगे, हम लोगों ने अपना एक्सप्लॉयटेशन कुछ हद तक लिमिटेड रखा है इन लोगों ने। दूसरे नंबर पे आप किसकी बात करते हो, अफ्रीकन लोगों को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, प्लस जो अमेरिका था बेटा, अमेरिका के पास थी उसके 40 के अराउंड आपके क्या थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो उसके नेटिव पर्सन थे, उन लोगों को तो बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा इन्होंने, और जो आज की पॉपुलेशन करते हैं तो वो बिल्कुल आपके वेस्टर्न अमेरिका में है, उनकी रियल पॉपुलेशन जो उनके एक्चुअल में अमेरिकन लोग हैं वो, बाकी सारा एरिया भी व्हाइट पीपल नहीं, चाहे वो आपके स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, आपके पोर्टुगीज थे एंड ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ही एक्सप्लॉइट किया, और जो उनकी पॉपुलेशन है अभी व्हाइट लोग जो है वो सारे इन्हीं के हैं, आपके यूरोपियन पीपल की ब्लड है वो। तो ये सारे चीज क्या बात कर रहे हैं हम लोग, आपकी सबको एक्सप्लॉइट कर लिया, अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, तब 4th of July 1776 ये डेट थी आपके पास, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंस गेन करेंगी अंडर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज ईस्टर्न कोस्ट पे, वो सारी इंडिपेंडेंस गेन कर रही है, तो उसको हेल्प फ्रेंच फ्रांस ने की थी, तो ये किया था। फिर आपका हम लोगों ने बात की थी कि आपके माउंटेन्स का जो पावर डिवीजन का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंसेप्ट इसने स्टार्ट किया था, सिविल राइट्स की स्टार्ट की थी, लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ये कभी अपनी चीज वर्ल्ड तक नहीं लेके जाएगा, ये इनसे भी बड़ा सेल्फिश है, क्योंकि कई लोगों का ब्लड मिक्स हो गया इसमें, तो कई ब्रीड मिक्स हो गई है अलग अलग कंट्री की, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा वो अपने तक रिजर्व रखते हैं अपनी चीजों को, वो दूसरों को अच्छी चीजें शेयर करने में भी डोमिनेंसी दिखाते हैं सबके ऊपर, आज भी आपके अमेरिका का यही चीज है, डोमिनेंसी जरूर दिखाएगा लेकिन अच्छे रिजल्ट पे कभी वो नहीं जाता, ठीक है। तो उस चीज के बाद हम बोलते हैं किसने दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आपका क्या दिया, पूरे वर्ल्ड को इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की, बहुत
घुमा दिया मैंने, बात तो सोशलिज्म की करनी थी लेकिन क्योंकि एक आपका प्लेटफॉर्म रेडी करना था बेटा। 1789 में जिस टाइम ये आया वर्ल्ड को मैसेज दे दिया, सारे वर्ल्ड में मैसेज क्यों गया, इन्होंने सब जगह अपनी कॉलोनीज बना रखी। अब अपनी कॉलोनी जिन लोगों ने बनाई तो जिन कंट्रीज में लोग रहते थे वहां के लोगों ने भी सुनना, इनके मुंह से सुनना स्टार्ट किया कि यस फ्रांस में ऐसा हो गया तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। लोगों ने अपने राइट्स की बात करना स्टार्ट किया। अगर इंडिया के नाम पे लेते हो राजा राम मोहन राय ने प्लस आपके डेरोजियो, वो क्या थे, आपके फ्रेंच फिलोसफर थे जो इंडिया में लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज बताए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया तो लोगों को अपना थोड़ा सा ज्ञान हुआ, एनलाइटमेंट का पीरियड स्टार्ट कर दिया कि लोगों ने भी अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कि ऐसा कंसेप्ट हुआ। तभी वो आपको बताते हैं कि पूरे यूरोप में भी, पूरे यूरोप के अंदर भी आपके पास तीन थिंकिंग के लोग आते हैं। लोग का मतलब क्या है, थ्री टाइप का ग्रुप आया, एक को आपने बोल दिया लिबरल, दूसरे को रेडिकल एंड तीसरे को कंजर्वेटिव। ये ग्रुप आपको मिलता है, क्या बोला, थ्री माइंड्स, मैं इसको माइंड बोलती हूँ, कई लोग इसको ग्रुप बोलेंगे, कई लोग थिंकिंग बोलेंगे, तो वो आप लोगों ने देख लेना है कि आप किसके अकॉर्डिंग। मैं बोलती हूँ तीन तरह के ब्रेन। अब तीन तरह के ब्रेन का मतलब या माइंड का मतलब क्या है, आपकी क्लास में बेटा बात करते हैं, आपकी क्लास में ही तीन तरह के बच्चे होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो। एक है मयूर, सोचता है कि मेरे को अपना पूरा टाइम टेबल वो सेट रखता है, मैं इतनी देर एसएसटी को दूंगा, इतनी देर अपने मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, मतलब उसने अपना पूरा टाइम टेबल सेट करके रखता है और वो बोलता है कि मेरे को एनटीएससी क्वालिफाई कर, क्लियर। दूसरे नंबर पे अगर आर्यन सिंह की बात आती है, आर्यन सिंह क्या करता है कि अपने नोट्स रेडी रखता है, नोट्स रेडी के साथ वो बोलता है यस मेरे को एनटीएससी क्वालिफाई करना है, साथ में एनटीएससी के दोनों स्टेजेस क्वालिफाई करने हैं, देन वो क्या बोलते हैं मेरे को क्या करना है, साथ में सीबीएसई को भी टॉप करना है, उसकी थिंकिंग ऐसी है। प्लस वो इन सब के साथ वो क्या बोलते हैं, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ क्रिएशन भी चाहिए। क्रिएशन कैसा, कि मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए मे बी मैं टीवी देख लूं, मे बी मैं कोई गेम खेल लूं, तो उसको लगता है कि अगर मैं टीवी और गेम खेलता हूं तो ज्यादा हेल्दी मेरे लिए नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम स्क्रीन पे दे रहा हूं अपनी एजुकेशन के लिए, मैं क्या करता हूं बाहर फुटबॉल खेल लेता हूं, क्रिकेट खेल लेता हूं, कुछ और कर लेता हूं। तीसरे नंबर पे आता है मोहित। मोहित कहता है देख भाई मैं अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी करूंगा, ठीक है, कोई कहीं पर कोई कसर नहीं होगी, एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा अपने आप को, लेकिन भाई इतनी देर तो मैं अपना टाइम टेबल या मैं लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरा तो ब्रेन ही बहुत बड़ा है, मैं उसमें सब कुछ सेव करूंगा, रैम के जैसे उसमें सेव कर लूंगा। देन बात करता है वो उसको खेलना, भाई देखो मैं फोन पे भी गेम खेल लूंगा, प्लस उसके साथ क्या करूंगा मैं आउटडोर गेम भी खेलूंगा, मैं टीवी भी देखूंगा, उसने अपना सारा सिस्टम सेट कर रखा है। अब आप देखो तीन अलग अलग तरीके से पढ़ाई का सिस्टम इन लोगों ने ही सेट कर दिया अपने लिए। तीन तरह के लोग आगे, तीन तरह की थिंकिंग के लोग आगे। फोर्थ नंबर की थिंकिंग क्या आएंगे, वो बोलेंगे होना होगा पास हो जाएगा यार, गेम खेलनी है हम लोगों को पूरी तरह, मूवी देखनी है पूरी तरह, दोस्तों के साथ घूमना है पूरी तरह, घर आया हूं तो बाइक बाइक सीख के जाऊंगा, बाइक के साथ कार भी सीख के जाऊंगा, मतलब उसने अपनी लाइफ में, चौथा बंदा जो है उसने एंजॉयमेंट को इम्पोर्टेंस दे दी। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी थिंकिंग रखी है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, आपके यूरोप में तीन टाइप के लोग आए, तीन तरह की थिंकिंग के लोग आए, वो क्या है आपके पास, नाम दे देते हैं उनका, फर्स्ट आएगा लिबरल, सेकंड रेडिकल एंड थर्ड अपने कंजर्वेटिव। ठीक है, ये नाम है लिबरल क्या है बेटा, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिबर, लिबर मीन्स फ्रीडम। ये क्या बोलते हैं आपको, लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले, इनको चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अभी हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के चेंज की बात कर रहे हैं लोग, फास्ट चेंज इन सोसाइटी, फास्ट चेंज इन सोसाइटी,
और सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, साथ में इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक स्फीयर में भी चेंज चाहिए, इकोनॉमिक पार्ट पे भी फास्ट चेंज चाहिए, प्लस पॉलिटिकल पार्ट पे भी फास्ट चेंज चाहिए। सब जगह इन्होंने क्या किया, चेंज। अब जब ये कंसेप्ट कैसा आया, इनके माइंड में सीधी क्या बात आती है कि फास्ट चेंज, एकदम से चुटकी बजाए और काम, शकलाका घूम घूम की पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करो, एकदम से वो होना चाहिए, इनकी ऐसी थिंकिंग है। देन हम बात करते हैं किसकी, चलो हो गया। अब ये लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो क्या बोलता है आपको, फास्ट चेंजेस की बात करता है, फास्ट चेंजेस की बात होगी है, एकदम से उनको सारे चेंज चाहिए, सोसाइटी में भी चाहिए, इकोनॉमिक पार्ट में भी चाहिए, पॉलिटिकल फेस में भी चाहिए, सब जगह उसको फास्ट चेंज, यानी कि एकदम से सब कुछ चीज चेंज हो जाए। कई बार आप घर में कोई चीज की डिमांड करते हो, मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आज मेरे को अच्छा सा खाने का मन है तो कुछ चीज बना दो, मम्मी बोलती है ठीक है शाम को बनाऊंगी, शाम को नहीं अभी बना दो, अभी खाने का मन है, अभी चाहिए मेरे को, ठीक है, तब वो क्या होती है, एकदम से जब आप किसी चीज की डिमांड करते हो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है वरुण। सेकंड नंबर पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मयूर क्लास में हो बेटा, तुम लोग बोलोगे ही नहीं, ओके, आर्यन सिंह भी है, उज्ज्वल क्लास में हो बेटा, उज्जवल क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरे को क्लास में, तुम लोग खुद ही अपनी गड़बड़ रखते हो यार, लक्ष्य लगता है शेर नहीं देख ली तभी टाइगर को पीछे लेके बैठा है, ब्लैक उसमें बैक बैकग्राउंड में, अच्छा तो ठीक है ब्रिज कर लिया है, अच्छा ठीक है यार, ये टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहा है भाई, ओके उज्जवल है क्लास में, आपको पता लग गया, ये भी है, ये सारे बच्चे जो मेरे को चाहिए अपने क्लास में, गुड गुड। तो बच्चे देन हम बात करते हैं रेडिकल्स की, रेडिकल्स चेंज की बात कर रहे हैं, वो भी चेंज की बात करेंगे, तुमको भी चेंज चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमिक पार्ट पे भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्ट पे भी चाहिए, बट वो क्या बोलते हैं, मॉडरेट, इतना फास्ट नहीं चाहिए जितना आपके ये लोग करेंगे, ठीक है, जितना ये लोग फास्ट फास्ट करते हैं वो ऐसा नहीं बोलते, कंजर्वेटिव कई चीजों पे तो वो नो चेंज की बात करते हैं, कोई चेंज नहीं चाहिए, बट कई में वो क्या कर लेते हैं, सम चेंजेस की समटाइम्स उनको लगता है कि चेंज होना चाहिए, बट समटाइम्स चेंज बट इन स्लो मैनर। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि क्या करते हैं, ये तो है आपके ग्रैंडफादर, ये मेरा फादर एंड ये हो आप लोग, क्लियर, लिबरल्स हो आप लोग, रेडिकल्स है फादर एंड कंजर्वेटिव्स है ग्रैंडफादर, कैसे, घर में बात चली है कि घर की नीड के लिए हम लोगों को एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, बाइक के लिए डिसाइड करते हैं कि कौन सी बाइक खरीदते हैं, फटाफट से आप आओगे, आप बोलोगे केटीएम, यही होती है ना, केटीएम ही होती है शायद, जो आपकी फास्ट चलती हो, जिसकी सीट मजेदार ना हो, ऐसी ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में आएंगी, बहुत फास्ट अच्छी स्पीड है, ये है सारी प्लास्टिक बॉडी है उसकी, जबकि बढ़िया सी बाइक ले लेते हैं अच्छे से, वो गंदे से कलर जो होते हैं उसके कलर भी तो ऐसे ही होते हैं ना, केटीएम वगैरह के ऑरेंज कलर ब्लू कलर,
ऐसे ऐसे आप कलर डिसाइड कर देते हो कि ये चाहिए, एकदम से स्टार्ट करो, सेल्फ स्टार्ट है, बहुत दूर तक जाएगी, स्पीड अच्छी है, ये अच्छा है, सारी चीजें बता दी, और उसके साथ साथ वो महंगी भी है। देन फादर सुन लेते हैं, वो बोलते हैं छोड़ यार तेरी बात थोड़ी ना सुनती है, मैं खुद के अकॉर्डिंग देखूंगा। फिर फादर क्या सोचते हैं, सबसे बढ़िया है यार स्प्लेंडर ले लो, स्प्लेंडर है, अच्छी है, माइलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, स्लो भी है, इतनी स्पीड नहीं पकड़ती, पॉकेट फ्रेंडली भी है, ये ठीक है, मेरा घर का काम इससे चलेगा। दादाजी उसके साथ भी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं कि अगर टू व्हीलर लेना ही है यार तो ऐसा ले लो जैसे स्कूटी ले लो, बिना गियर की मैं भी चला लूंगा, ये गियर वेयर का चक्कर खत्म करो, और नहीं तो यार सीधी सी बात है साइकिल ही ठीक है, मैं साइकिल से ही हैप्पी हूँ। क्लियर, ये सारी चीजें तो तीन लोग आप घर के हो, तीनों ने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग बता दिया, दादाजी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई जरूरत भी नहीं है वैसे बाइक बाइक की, साइकिल अच्छा है, अगर कहीं दूर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, कोई चलाने का झंझट नहीं है, कुछ नहीं, आराम से बैठ के जाना है, आराम से बैठ के आ जाना है, ऐसी चीज। फादर क्या बोलते हैं कि नहीं यार चाहिए बाइक तो, और लेडी स्प्लेंडर, और आप लोगों का दिमाग में क्या क्या फायदा वो घूम रही है, यही होती ना हरले वरले भी तो होती है कुछ, है ना, वो इंडियन नहीं है, इंडिया में है बट इंडियन नहीं। हर जगह तो वो मिलती भी नहीं है। हाँ फिर वो जब कॉलेज टाइम है, अभी तो आप बच्चे हो तो अभी बुलेट का क्रेज नहीं होता, जब कॉलेज में जाओगे तब आएगा बुलेट का क्रेज, तो तब वो पंजाबी गाने वाने सुन लेते हो ना, तब उसके बाद बुलेट का क्रेज भी आता है 2 साल के लिए बच्चों में। तो ये सब चीजें आपको देख लिया कि घर में ये चीज है, इसको किस तरीके से आप लोगों ने तीन तरह के लोग बताए कि ऐसे घर में भी होते हैं। तो लिबरल्स की बात करते हैं बेटा हम, सबसे पहले कि वो फास्ट चेंज, सब कुछ ऐसे फास्ट फास्ट की बात करते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए, एकदम से सब कुछ चाहिए। अब ये लिबरल लोग एक्चुअल में है कौन वो देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग जो हो ना वो सारी चीजें वो आपसे ही रिलेटेड करेंगे, क्या आपकी जो थिंकिंग होती है वो वैसे ही बात करेंगे। लिबरल्स क्या बोलते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स में क्या चाहिए हम लोगों को, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड वोटिंग राइट, ये चीजें चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए, ये सारी चीजों की डिमांड कर ली इसने आपके लिबरल्स ने, इंडिविजुअल राइट्स डिमांड किए, तो तीन चीजों की बात की। लेकिन अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हो बेटा, कहां दिया था इक्वालिटी, नहीं था, वोटिंग राइट में भी आप लोगों के पास 2 कंसेप्ट आ गए थे, पैसिव और आपके एक्टिव, एक्टिव कौन थे जिनके पास वोटिंग राइट थी। अब फ्रीडम की भी बात करो, सबके पास कहां फ्रीडम थी, उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग देखा था ना, जो चीज वो थे यानी आपके एजुकेटेड पर्सन जो थे, वेल्दी पीपल जो थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग देख लिया। सेम चीज आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग करते हो, सबके बारे में कहां सोचते हो, सबके बारे में क्या सोचते हो, आप बोलते हो इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी के बाद पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जब किसी को रिजर्वेशन मिलती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, जब आप एक रिलीजन की बात करते हो, हिंदू रिलीजन में अगर आपको मिल रही है रिजर्वेशन दूसरे लोगों को, तब प्रॉब्लम। फिर अगर आप बोलते हैं इनको रिजर्वेशन देने की नीड क्या थी, सेकेंड नंबर पे आप क्या बोलते हो, अगर फीमेल को रिजर्वेशन दे दी या फीमेल को भी आपकी इक्वालिटी की बात कर दी, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्लास में थप्पड़ लड़कों को लगते हैं, लड़कियों को कोई नहीं मारता, अगर आपकी क्लास में लड़की होती तो ये बात होती, हम लोगों को तो जो भी देखता पटक देता है, इनके साथ नहीं होती, घरों में भी यही हो जाता है कई बार, पेरेंट्स बेटियों को ज्यादा वो कर देते हैं बेटों को नहीं। सेकंड ठीक है, आपकी बात कर ली कि वो किसकी बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और इंडिविजुअल राइट्स की यानी कि वोटिंग राइट्स की बात की, इन सब के साथ भी फिर उनको खुद के लिए चाहिए, एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट आपके पास आया था। देन वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, यस इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए उनको, क्योंकि आपके मॉन्टेस्क्यू ने बोल दिया था लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो चाहिए उनको, क्यों वो चाहिए, उसके लिए उन्होंने बोल दिया अपोज डायनेस्टिक सक्सेशन,
है ना वो नहीं चाहिए यार, खत्म करो इस किंग का सिस्टम। तो हम लोगों के पास वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट क्या करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट हम लोगों को चाहिए। वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मैम बेटा, मैम इस डायनेस्टिक रूल का मतलब ये था कि मैम कि प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट विदाउट एनी वोटिंग। हां बेटा, डायनेस्टिक सक्सेशन वही होता है कि जो किंग होगा, किंग का बेटा आगे किंग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वोटिंग राइट के साथ काम करेंगे, हम अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने लिख दिया ना गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि हम पीपल ने वो सारे मिलके अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। क्लियर क्लियर बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ओके, अपोज द प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो लोगों को प्रिविलेजेस मिलती है। प्रिविलेजेस मिलना क्या होता है कि ये लैंड थी उसके फादर के पास थी, राजा के, राजा था, राजा के फादर के पास जितनी लैंड थी उसके बेटे को मिली, फिर उसके नोबल को मिल गई, किसी मिनिस्टर को मिल गई, फिर उनके बच्चों को मिल गई। ऐसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता था पहले। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि ये प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ मिलती है ना, यानी इनको टैक्स पे नहीं करना, जैसे होता था कि आपके क्लर्जी को या इनको टैक्स पे नहीं करना, तो वो सारी इन चीजों को अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ये राजा या कोई भी जिसके पास भी वेल्थ है, वेल्थ वाले पर्सन को आपका टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, आपके पास टैक्स पे करेगा जो उसी को क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये प्रिविलेजेस मिलती है जो टैक्स फ्री रहने की, ये बंद करो, टैक्स सबको पे करना पड़ेगा। देन वो बात करते हैं टॉलरेशन फॉर रिलीजन। एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, टॉलरेशन, टॉलरेशन फॉर रिलीजन। लेकिन साथ में ये बात उन लोगों ने क्या कर दी, डिनाय कर दी। क्या? टॉलरेशन फॉर रिलीजन लिख के फिर क्या लिखते हैं, बट दे वर, आई डोंट थिंक लिखा है, बट दे वर नॉट सेकुलर। ठीक है, टॉलरेशन फॉर रिलीजन है बट वो सेकुलर नहीं है। अब ये मतलब क्या हुआ, टॉलरेशन का मतलब क्या है कि वो तो रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, करते हैं, नो डाउट की दे रिस्पेक्ट फॉर क्रिश्चियनिटी। अब क्या बेटा, जो आपकी क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी में टू सेक्ट्स है बेटा, टू सेक्ट यानी टू ब्रांचेस है इसकी, क्रिश्चियनिटी की भी। क्रिश्चियनिटी में दो ब्रांचेस हैं, एक होगी आपकी कैथोलिक, दूसरी है बेटा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दो तरह के रिलीजन होते हैं बेटा क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, दो तरह की ब्रांचेस हैं, दो तरह की शाखाएं हैं जो आपके क्रिश्चियनिटी में होती है। एक है आपकी ओल्ड जो कैथोलिक है, पुरानी बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है। सेकेंड आपकी 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी में आपके पास आया था प्रोटेस्टेंट, एक और उसकी ब्रांच आई थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैथोलिक लोग हैं आपके जीसस क्राइस्ट को भी फॉलो करते हैं, उनकी मदर मैरी के कंसेप्ट को भी लेके चलते हैं, बाइबल को भी लेके, प्लस जो आपके पोप होते हैं, पोप क्या है, रिलीजियस पोस्ट होती है। रिलीजियस पोस्ट जो होगी आपकी क्रिश्चियनिटी में, लाइक अगर हम लोग अपने मंदिर वंदिर अपने तो बहुत सारे है ना, अगर मंदिर में भी एक सबसे बड़ा पुजारी, महंत जो होगा सबसे बड़ा, उसकी अगर बात करते हैं और सारे उसी के अंडर, जितने भी इंडिया के आपके या वर्ल्ड के अंदर जो टेम्पल है, सब उसी को बोले कि ये पर्टिकुलर पर्सन है और ये अपना हिंदुइज्म का हेड है। लेकिन अपने तो अलग अलग टेम्पल है, कोई शिवा का है, कोई ब्रह्मा का है, कुछ भी है, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा का टेम्पल कहाँ है भाई, जबकि आप बोलते हो तीन गॉड है आपके मेन, तो ब्रह्मा को इतना क्यों नहीं पूछते लोग, कोई था क्या उसके पीछे, अभिशाप या अभिशाप है। चलो छोड़ते हैं हिंदुइज्म को, अभी अपना हिंदू ऐसे ही खतरे में है। और कैथोलिक की बात करते हैं बेटा, कैथोलिक जो है वो आपके मदर मेरी जीजस और आपके बाइबल और पॉप पे कंसेप्ट को लेके चलते हैं, बट आपके प्रोटेस्टेंट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमें जीजस से मतलब है, प्लस उनकी
लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैम लिबरल में मैम एकदम लेफ्ट में किसका लेफ्ट तेरा लेफ्ट मेरा लेफ्ट इधर ये नो मैम इसके भी लेफ्ट नो मैम लेफ्ट अच्छा ये मैम और लेफ्ट ये यस मैम इसमें लास्ट पॉइंट जो है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ बेटा बर्थ मैम इसके नीचे इसके नीचे टॉलरेशन फॉर रिलीजन और फिर वो रिलीजन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ओके मैम ओके ठीक है हो गया समझ बेटा तो आपके ये क्या बोलते हैं हम दोनों सेक्ट को लाइक करते हैं क्रिश्चियनिटी की किसी और हिंदुइज्म की इस्लाम की आपके बाकी किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं बस हम तो क्रिश्चियनिटी का किए हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बट वी आर नॉट सीधा उन्होंने बोल क्या रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं वो इंडिया के जैसे नहीं है कि आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ हम लोग तो कुछ कहेंगे ही नहीं फिर बोलते हैं बाद में बोल देते हैं हिंदू खतरे में है ठीक है तो वो क्या बोलते हैं लिबरल लोगों ने बोला है ठीक है वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट उस ऑल रिलीजन में हम लोगों का मतलब क्या है चर्च ऑफ ब्रिटेन और चर्च ऑफ ऑस्ट्रिया बस इसको फॉलो करेंगे बाकी हिंदुइज्म सिखिज्म आपके इस्लाम से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि वी आर नॉट सेक्युलर देन वो बोलते हैं यस वी वांट इंडिविजुअल गवर्नमेंट वी वांट गवर्नमेंट बाय कंसेंट बट वी आर नॉट डेमोक्रेट्स क्या बोल दिया वी वांट इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी हम लोग क्या करते हैं जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं क्या बोलते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेसी है बट वो क्या बोलते हैं वी आर नॉट डेमोक्रेट डेमोक्रेट्स नहीं है क्यों डेमोक्रेट्स नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल वोटिंग राइट मांगते हैं और बट वोटिंग राइट का कंसेप्ट क्या रखा एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन एक्टिव एंड पैसिव अब पैसिव सिटीजन में क्या थी वुमेन थी चिल्ड्रन थे
यानी लेस देन 25 और स्लेव्स थे, पीजेंट्स थे, उनको थोड़ी वोटिंग राइट्स दिए होंगे, तो डेमोक्रेट तो वो हुए ही नहीं, वो क्या बोलते हैं 25 मेल मेंबर्स की बात, टैक्स पे की बात की है, यही किया था ना आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, बाद में थोड़े से और शरीफ हुए, ऑल मेन विद द एज ऑफ 25, अब उन्होंने सारे आदमी आदमी को दे दी, फीमेल को फिर भी नहीं दी, तो वो क्या बोलते हैं तो डेमोक्रेट सही नहीं यार, औरतों को तो राइट वाइट देने ही नहीं है, सीधा काम खत्म करो, चूल्हा चौका देखो, बात खत्म, पिटेंगे ये लोग, ठीक है बेटा, क्लियर, लिबरल्स की बात क्लियर हुई कि लिबरल क्या सोचते हैं बेटा? Yes. चलो बेटा, yes. आते हैं आप अपने रेडिकल्स के पास, रेडिकल्स क्या बोलते हैं, पीपल गवर्नमेंट, यस इन्होंने भी बोल दी पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो चाहिए हम लोगों को भी, कैसी, इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, बट ये थोड़े से मॉडरेट थे, मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या बोल दिया, वोटिंग राइट फॉर वीमेन टू, ये वीमेन के लिए भी वोटिंग राइट, ये भी सारी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं बेटा, किसको, privileges based on birth, इसको इन्होंने भी neglect किया, कि हाँ birth basis पे आपको privileges नहीं मिलनी चाहिए, किसी का birth अगर अच्छी rich family में होता है तो उसको उसी की वजह से tax free कर दो, royal family में है तो इसको ये सब कुछ दे दो, title वाइटल के साथ इसको रखो कि राजा की family से, तो इस चीज के against, but साथ में ये क्या बोलते हैं, Leave in private property. अब यहां से क्या मतलब है, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी लैंड लेके बैठे हैं, इतने बड़े मालिक बने बैठे हैं, इतने बड़े घर के मालिक बने बैठे हैं, कौन, ये राजाओं के लोग, नोबल पीपल जो है सबके पास ये सब कुछ है, नहीं चाहिए ऐसा, इनसे छीनो वापस करो, देश का माल है, देश का खाना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे लीडर सारा मजे लूट रहे हैं, लूटो देश का माल है, ठीक है वापस करो हमारा, तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे, साथ में वो क्या बोलते हैं, अगर आप अपने हार्डवर्क से, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसने हार्डवर्क किया, हार्डवर्क के बाद उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को ऑन कर लिया, सारी को कैप्चर कर लिया, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री, चार फैक्ट्री लगा ली, बड़ा सा घर भी ले लिया, जैसे कि अंबानी जी हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि उसने अपने हार्डवर्क से सब कुछ किया है, हार्डवर्क करके आपने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉपुलेशन की जितनी भी कंट्री के सिटीजन है उनके टैक्स से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हो, वो गलत, प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में था बट अपनी हार्डवर्क के फेवर में, जो ये हार्डवर्क से अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करेगा उसके फेवर की बात करते हैं, रेस्ट तो किसी की चीज नहीं करता, अब इसका भी इनका अपना ही मोटिव था, फिर लिबरल ने भी सोचा कि यार बात तो ठीक है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, मैं भी खुद बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए प्रिविलेजेस इन लोगों की बर्थ बेसिस पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के साथ मैं भी चल रहा हूँ, वो बोलता है ठीक है भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे दोनों ही लालची थे, दोनों लालची क्यों थे, क्योंकि दोनों ही वेल्दी पीपल थे, थर्ड स्टेट में अपने पास भी क्या थे, वेल्दी पीपल भी थे, थ्री कैटेगरी थी, एक बिजनेसमैन की, फिर आपके दूसरे वेल्दी पीपल जो थे फर्स्ट में थे, फिर एजुकेटेड लोग थे, एंड थर्ड थे आपके पीजेंट्स वगैरह, ये तो वो सारे कौन थे, लिबरल जो लोग हैं थर्ड स्टेट के आपके वेल्दी पीपल है, क्यों, ये आगे जाके आप देखोगे लिबरल और रेडिकल दोनों ही फैक्ट्री ओनर है, दोनों को ही पता लगता है कि ये फैक्ट्री ओनर है, इनके पास पैसा था, वेल्दी पीपल थे, जिस टाइम में आपके मोनार्क लोग रूल करते उस टाइम भी ट्रेडर्स यही लोग थे, इन्हीं के पास पैसा था, तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में है बट आपके प्रिविलेजेस बेसिस में जो होंगी उसको डिनाई करते हैं, क्लियर बेटा, रेडिकल्स भी क्लियर हुआ, थम्स अप कर दो, नहीं क्लियर हुआ तो डाउन कर दो,
इसमें इन्होंने क्या किया, वीमेन के लिए यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो कर रहे हैं, फीमेल के लिए भी वोटिंग राइट की बात की। नहीं समझ में आया एकार? नहीं समझ? अच्छा आ गया, ओके ओके ओके। वो क्या बोलते हैं, तुम गलती से हो गया था, पीपल की यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, बट वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सिर्फ मेल मेंबर के लिए वोटिंग राइट की बात नहीं करते, वो बोलते हैं फीमेल को भी उनके अकॉर्डिंग राइट मिलना चाहिए वोटिंग राइट। एंड थर्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ बोथ को नेग्लेक्ट करते हैं, किसके फेवर में है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के है, बाद में आपके लिबरल्स भी इसके फेवर करेंगे। अब आते हैं बेटा कंजर्वेटिव, अब कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि कंजर्वेटिव सारे कौन है बेटा, मोनार्क फैमिली से ही है, यानी नोबेल फैमिली के लोग होंगे, नोबेल प्लस क्लर्जी, कंजर्वेटिव दोनों यही होंगे। इन्हीं को प्रॉब्लम हुई थी, इन्हीं की सीट छीनी थी, इन्हीं से प्रॉपर्टी वापिस ली थी, क्लर्जी के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दिया था, तो इसीलिए ये दोनों इसमें आएंगे। ये क्या बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, वो बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी मस्ट बी रन इन ट्रेडिशनल वे से मतलब क्या है आपका, कि जैसे चलती आई है पुराने टाइम से, राजा होता है बस राजा ही चाहिए क्योंकि डिवाइन रूल की बात करते हैं भाई। पहली बात तो वो बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, किंग चाहिए, मोनार्क चाहिए ट्रेडिशनल वे में। दूसरे नंबर पे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लर्जी होगा, मोनार्क होगा, देन आपका थर्ड स्टेट है। ये बात भी बोलते हैं क्लर्जी को भी क्या चाहिए था, चर्च को भी फर्स्ट पोजिशन चाहिए थी, वो बोलते हैं सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे ही चाहिए। ठीक है, जैसा मॉडर्न जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ आ रही है, वो तुम लोग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट भी इलेक्ट करो, वोटिंग राइट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन को मत छेड़ो, ना तो मोनार्क की पोजीशन को छेड़ो और ना ही आपकी किसको, आपकी चर्च की पोजीशन को छेड़ो। इनको वो जो प्रिविलेजेस मिली है वो मिलनी चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका ट्रेडिशनल वे में चलना चाहिए। देन वो बात करते हैं किसकी, आपकी फीमेल की, वो फीमेल को भी राइट्स देने के फेवर में नहीं है। वो क्या बोलते हैं फीमेल्स के ऊपर जो राइट होगा, पहले फादर का, देन हस्बैंड का, देन सन का। ठीक है, वो ब्रदर का कंसेप्ट बीच में से रिमूव कर दिया, वो क्या बोलते हैं फादर मालिक है, फिर हस्बैंड मालिक है, देन अगर उसकी लाइफ बेचारी की बचती है तो फिर उसका बेटा मालिक है। वो बोलता है फीमेल का भी यही चाहिए, कोई इनको वोटिंग राइट नहीं दो। वो क्या बोल रहे हैं मेल को वोटिंग राइट दे दो, क्योंकि हम लोगों ने पहली बात की है, पहली बात तो वो चेंज पसंद ही नहीं करते। चेंज किस में पसंद नहीं किया, अपनी नोबेल की मोनार्क की पोजीशन पे और आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्लर्जी को। सेकंड वो बोलते हैं चेंज किस में चाहिए, ठीक है वोटिंग राइट दे लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारी पोस्ट को मत छेड़ो। थर्ड नंबर पे फीमेल की बारी जिस टाइम आती है वो फीमेल के राइट्स के अगेंस्ट होती है, औरतों को राइट्स नहीं चाहिए, ये ऐसे ही काम करेंगी। हाँ ठीक है, औरतों को क्या राइट दे रहे हैं, इनको पढ़ा दो, इनको लिखा दो, इनको जॉब करने दो, ये राइट दे दो, लेकिन वैसे किसके अंडर रहेंगी, बिफोर मैरिज फादर, आफ्टर मैरिज हस्बैंड, जो लाइफ बची वो बच्चे बच्चे करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं ये लोग। तो ये आपके तीनों थे बेटा जो काम करेंगे। अब आपका काम क्या है, जो इवनिंग में 5 से 6 की मैं क्लास लूंगी, आगे टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करूंगी इसके रशियन रेवोल्यूशन का। सबने क्लास किस टाइम लोगे बेटा, तुम किस टाइम लोगे इवनिंग में? 5 से 6 ले लूंगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, 5 से 6 क्लास लूंगी, उस टाइम में आपको क्या करना है, सब लोग आओगे उससे पहले आप, क्योंकि आपकी 1 बजे 12:45 तक आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। 12:45 पे थोड़ा खाना वाना खा के, थोड़ा सा रेस्ट करके, क्लास से जस्ट पहले एनसीईआरटी उठाना बेटा, एनसीईआरटी के पहले 2 पेज, फर्स्ट एंड जस्ट बैक वाला पेज, वो दोनों पेज पढ़ देने, सिर्फ पढ़ने हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही, उसमें से आपको कुछ लिखना है या कुछ भी, उन 2 पेजेस को पढ़ना है। उन 2 पेजेस में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको समझ नहीं आएगी। सोशलिज्म में है बेटा, सोशलिज्म चैप्टर में, हाँ सोशलिज्म इन यूरोप,
बस उसका पहला पेज और सेकंड पेज पढ़ लेना है सोशलिज्म इन लिबरल, बस उसमें जो चीज आपको समझ नहीं आई ना पेंसिल से वही लाइन लगा देनी है। जब इवनिंग में हम क्लास लेंगे तो साथ में बुक रखना और बुक से फिर उसके डाउट क्लियर कर लें। क्लियर बेटा, बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, ब्लेस यू ऑल।